टोंक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई नजर आई है। एसीबी ने एएसआई अर्जुन लाल मीणा को ट्रैप किया है। ममता सर्किल स्थित मोबाइल की दुकान से ये ट्रैप किया गया है। 5,000 की रिश्वत राशि लेते हुए ये ट्रैप किया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रिश्वत की राशि बरामद की गई। एसीबी टोंक एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में ये कार्रवाई जारी। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। टोंक में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई नजर आई है। एएसआई अर्जुन लाल मीणा को ट्रैप किया है। टोंक में एसीबी ने ये कार्रवाई की है। एसीबी टोंक एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है। 5,000 की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया है। ममता सर्किल स्थित मोबाइल की दुकान से ये ट्रैप किया है। और एएसआई अर्जुन लाल मीणा जिसे ट्रैप कर लिया गया है, तस्वीर में भी आपको दिखा रहे हैं ट्रैप के बाद ये पूरी कार्रवाई, और अब लगातार पूछताछ भी की जा रही है। लोकेंद्र स्थानीय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? लोकेंद्र सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी जी बताएं। लोकेंद्र बताएं क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में। जी, भीलवाड़ा जिले के गांगीथला विद्यालय का एक अध्यापक था जिसके खिलाफ उसी के स्टाफ के किसी अध्यापक ने परिवाद दायर करवाया था देवली थाने में। उस परिवाद की जांच एएसआई जो है सहायक उप निरीक्षक अर्जुन लाल मीणा के पास थी, और वो जो परिवादी है उससे 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। तो यदि एसीबी के सत्यापन के बाद 5,000 रुपए में राशि का लेना देना तय हुआ, और आज 5,000 रुपए की जो राशि है वो लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने एएसआई अर्जुन लाल मीणा को ट्रैप किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र जानकारी के लिए।